नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सिंह, आप देख रहे हैं बीवी न्यूज। बिहार के 9 साल की एक बच्ची ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया कुछ ऐसा कि जान लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आखिर ये खबर है क्या। बिहार की राजधानी पटना समेत सूबे के कई इलाके बाढ़ में अभी भी डूबे हैं। विपदा की घड़ी में लोग अपने हिसाब से पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। कोई चैरिटी कर रहा है तो कोई कैश और कोई खाने पीने का सामान लेकर बाढ़ से घिरे लोगों के बीच जा रहा है। मददगारों की इस कड़ी में 9 साल की बच्ची सिद्धि श्रेया का नाम जुड़ गया है। सिद्धि का हौसला और जज्बा समाज के लिए एक नजीर बन चुकी है। इस बच्ची ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी छोटी सी बचत यानी गुल्लक को फोड़ दिया और जमा पैसे को लेकर पटना आ पहुंची। जी हां, सिद्धि श्रेया ने बाढ़ से घिरे लोगों की मदद के लिए अपने जमा किए 11,000 रुपए दे दिए। इस काम के लिए वो समस्तीपुर से चलकर पटना में पूर्व सांसद पप्पू यादव के पास पहुंची और उनको पैसे सौंपे। पप्पू यादव ने सिद्धि श्रेया की फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उसका आभार जताया है। पप्पू ने लिखा, यह बेटी सिद्धि श्रेया है, इस छोटी बच्ची का दिल बहुत बड़ा है। पटना के जल जमाव पीड़ित की सेवा के लिए समस्तीपुर से चलकर पटना आई है, अपना गुल्लक फोड़ 11,000 रुपए दिया है। बेटी सिद्धि, तुमने सिद्ध कर दिया कि सिर्फ श्रेय लूटने वाले पटना दिल्ली के हुक्मरान तुम्हारे सामने बौने हैं। आपको बता दें कि सिद्धि ने मदद के रूप में 11,000 रुपए दिए जो गुल्लक में उसने जमा किए थे। उसके परिजनों ने बताया कि पटना में जल जमाव से परेशान लोगों को देखकर सिद्धि ने अपना गुल्लक फोड़ दिया और कहा कि मैं इन पैसों से लोगों की मदद करूंगी। बच्ची ये पैसे लेकर खुद पप्पू यादव के आवास पर आ गई। बिहार में बारिश रुकने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। मौसम विभाग ने जहां 2 दिन का हाई अलर्ट जारी किया, वहीं पटना के कई इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति अभी भी है। पटना के लोगों को मदद पहुंचाने की कमान बिहार के इस बाहुबली नेता ने संभाल रखी है। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव खुद बाढ़ वाले इलाकों में जा रहे हैं और लोगों के बीच पैसे, खाना, पानी, दूध और दवाइयां बांट रहे हैं। इनके इस प्रयास की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप इस 9 साल की बच्ची सिद्धि श्रेया के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। और आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।